नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा आपकी आंखों ने और क्या क्या आत्मसात किया पूरी यात्रा के दौरान? 20 दिन का मेरा सफर रहा आने जाने का मिलाकर, यह मेरे जिंदगी का स्वर्णिम काल है। क्योंकि यदि आपको भारत को महसूस करना है तो यात्राएं करनी होंगी। मैंने ये महसूस किया कि आपका जो 4 कोस पे बदले पानी 8 कोस पे पानी, जो ये जो एक कहावत थी, मैंने बड़ी नजदीक से महसूस की, उसको चरितार्थ होते हुए देखा। जी। दो भारत हैं वो मैंने चरितार्थ होते हुए देखा। हर क्षेत्र में आपकी जो है राजनीतिक स्थितियां या राजनीतिक निर्णय आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं वह मैंने देखा। आपके लोग, अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो लोगों का कैसा आपके प्रति जुड़ाव है वो आपको स्पष्ट दिया देखा। तो समाज कैसे आपके साथ जुटा, और चूंकि बहुत सारी जगह अननोन लोग आपको मिले, अपरिचित लोग आपको मिले, उन्होंने आपका स्वागत किया और बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया आपका, तो क्या आत्मीयता महसूस हुई? जब मैं यहाँ से निकला तो बरेली से आगे शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर के आगे जब वो देहात क्षेत्र शुरू हुआ जी, तो वहां पर जाकर वास्तविक एक अलग जो है अनुभूति मुझे महसूस हुई। पहली बात मैं आपको रुपेश भाई ये क्लियर कर दूं जी, कि मैं जो मेरा 40 किलोमीटर का टारगेट था उसमें मेरा पहला जो 20 किलोमीटर होता था उसमें 6:30 से लेकर 10:30-11 तक मैं पूरा कर ले रहा था सुबह मॉर्निंग, ताकि मेरे पास 8 घंटे और बचे और चलने के लिए सिर्फ 20 किलोमीटर हो, ताकि मैं लोगों से ज्यादा रूबरू हो पाऊं। ये ना हो कि एक यात्रा, ये दूरी तय करना या एक अलग किस्म का, और एक जो धार्मिक हमारी चीज थी उसके साथ साथ जो और हमें जो समाज से जुड़ाव था उसको स्पष्ट महसूस मतलब करना सिर्फ था। सड़क नहीं नापना था, नापना लोगों से संवाद भी करना था, संवाद करना था उनसे। मैं राम के बारे में मैं पूछता था तो हर एक के राम अलग अलग थे जी, किसी क्या के राम थे वो बताइए, किसी के राम क्या थे, किसी के राम ये समझो कि किसी के राम आप ये समझो कि एक राजा राम थे, किसी के राम ऐसे राम थे जिन्होंने जो है पिता का जो पुत्र पिता का जो था कि उन्होंने दशरथ जी ने कहा कि चला जा वो उसके लिए उसको पसंद करते थे। किसी का ये था कि साहब उसने रावण का वध किया बाप हुआ, तो हर एक जगह पर अलग राम, हर एक जगह पर, लेकिन सबकी बात एक ही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के यहाँ आप जा रहे हैं तो उनका एक इंटरेस्ट जरूर रहता था कि पैदल क्यों जा रहे हो जी, ये पूछते थे। फिर कहाँ से आए हो यहाँ तक, जैसे मैं कहता था रुद्रपुर तो अच्छा, फिर उनके जैसे प्रकट ऐसे होते नहीं, अच्छा अरे ये तो बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं, अभी तो 200 किलोमीटर में आया हूँ, अभी तो जाना है 250-300 किलोमीटर। अच्छा वहां तक पैदल जाओगे, अच्छा हमारी राम राम ले जाओ। आपने देखा होगा एक मजदूर ने मुझे रोका जी, तो उसने मुझे कहा कि मेरी कन्नी वसूली हमेशा मंदिर में चलती रहे, उनके राम अलग थे। सरदार जी 80 साल के बुजुर्ग, और मुझे लगता है कि वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, और साइकिल पे जो संत होते हैं वो उनके हो सकता है कि कपड़े उनके जीर्ण शीर्ण हो, लेकिन वो हमसे 100 गुना ज्यादा अमीर थे। उन्होंने कहा मैं, आप अभी पोस्ट पढ़ी है कि मैं हर धर्म को पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया, और मैं आपके साथ इसलिए चल रहा हूँ कि मेरे कुछ कर्म कटे आए, और राम का नाम गुरमाली में इतनी बार आया है, राम हमें ऐसे प्रभावित करते हैं, मैं मंदिर जरूर जाऊंगा। एक और सज्जन मिले, वो रुके और कह रहे बेटा ये मुझे अपना ध्वज दे दीजिए, मैं साइकिल पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा प्रभु, चूंकि मेरे पास 2 ध्वज थे, मैंने कहा आप ले लीजिए। तो बोले लेकिन आप कहाँ जाते हो ध्वज लेकर? उन्हें मुझे लगा कि जैसे अक्षत बांट रहे थे गांव गांव, तो कोई ध्वज ही हो सकता है बांटने वाला हूँ। तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तो उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष तेज करना शुरू कर दिया। मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते थे, आपके पीछे पीछे चलने लगते थे, जय घोष करते हुए चलने लगते थे, हुजूम भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता था, कहां तक कितने कितने लोग आपके साथ चलते थे? देखिए वो गांव में जैसे कि कहीं एकजुट है, मतलब कहीं एक बढ़िया सी बैठकी लगी हुई है, क्योंकि वो गांव वो सुबह बिल्कुल जो है सुबह तो कम फ्री होते थे, वो शाम को 3-4 बजे मुझे लगता है कि फ्री हो जाते थे, क्योंकि वो जल्दी सोने वाले लोग थे जी। तो जब मैं 3-3:30 बजे पहुंचता था तो एक अक्सर एक जो है झुंड उठता था, मुझे बोलता था कहां से, पहले तो वो रिक्वेस्ट करते थे कि चाय पी लो, मेरी इच्छा होती थी तो मैं कहता था भाई फीकी चाय पीऊंगा, चाय पिलाते थे तो इतने में बातचीत होती थी, तो वो मुझे ये कहते थे कि मैं आपको हम गांव की दूसरी सीमा तक छोड़ेंगे। जब वो 5-7 चलते थे जी, तो 10 कदम पे और 5 जुड़ गए, 10 कदम पे और 5 जुड़ गए, तो राम का नाम लेते थे, बनता जाता था आपका, और जैसे वो गूंगे की मिठाई हो गई। मैं आपको बता नहीं सकता कि भारत कितना शानदार भारत है, भारत कितना
एक भारत है, भारत के लोग कितने बढ़िया है जी, ऐसा भारत हमारा है। तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, खासतौर पर पशु पक्षियों को लेकर? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें, जैसे कि हम गौ माता जी की हम बड़ा मान्यता है, तो ऐसे ही बहुत सारे निराश्रित पशु जो कि इस समय गंभीर हालत में कभी बीमार होते हैं या कभी उनको चोट लग जाती है, हाईवे होता है, टक्कर लग जाती है वाहन की, हमें उनके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हमें डॉग्स के लिए, जो कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो भी चपेट में आ जाते हैं जी। हमें उनके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हमें लगातार, जैसे कि अभी मयूर होते हैं, जो मोर होते हैं, उनकी वहां पर एक और था कि वहां पर इनकी हत्या कई लोग करके इनके जो मोर पंख चुरा कर ले आते हैं। पक्षियों का प्राकृतिक वास अभी भी वहां पर है, कोयल हो गई, ये हो गई, अभी वहां पर मुझे गिद्ध मिले जो, मतलब यहाँ पर तो गायब हो गए रासायनिक खादों के उसके चक्कर में, लेकिन वहां बहुत ज्यादा खादे वादे भी नहीं चलती। तो और उनकी मैं हेल्थ की मैं बात करूं, वो हो सकता है हमने पतले दुबले हों, लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर होते थे, हमसे ज्यादा तेज चलते हैं, तो एक फिजिकल चीजें भी हमें फिटनेस है, शुगर नहीं है वहाँ, शुगर नहीं है जी, वो इन और आउट का खेल है। वो बाजरे की रोटी खाएंगे या मोटे अनाज की रोटी खाएंगे, जो कह रहे हैं ना मल्टीग्रेन दोबारा मार रहे हैं। हमें एक कार्पेट लोगों की एक रणनीति के तहत हमें जो बिल्कुल व्हाइट आटा जिसमें चोकर नहीं है वो खिला दिया गया, अब हमें कहते हैं मल्टीग्रेन ले आओ, वो कितने रुपए किलो? 20 रुपए किलो, फालतू का खेल है। तो वो वहीं पर बेसिक मौजूद है, वो बिल्कुल बेसिक में मौजूद है और बेसिक क्लियर कट है उनका, ना उनको शुगर ना उनको बीपी। आप अयोध्या पहुंचते हैं तब कैसी अनुभूति आपको होती है? चूंकि आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, आपका लक्ष्य था कि आप 22 तारीख तक रामलला दरबार तक पहुंच जाएं, अयोध्या में प्रवेश कर जाएं, ये आपका लक्ष्य था, आपकी यात्रा का लक्ष्य ये था। तो उस लक्ष्य के नजदीक जब आप पहुंचे थे तो कैसी अनुभूति हुई थी और क्या कुछ मन नाचने लगा था, किस तरीके से? दिव्य स्वर्णिम अनुभूति, ऐसे दिन मेरे 15 के लाइफ में, कहते हैं कि मंजिल से पहले जो ज्यादा मजा रास्ते में आता है वो लिया, और उसके जब मंजिल पे पहुंचे तो 4 गुना आहलित हो गया मैं। ये समझो कि मैं उछलने लगा कि मैंने कहा मेरे राम मुझे मिले, क्योंकि मैं राम जी के, प्रभु जी का मैं सेवक, मुझे सेवा करने में आनंद आता है जी बहुत, और राम मेरे लिए एक मित्रवत है, हनुमान जी मेरे लिए एक मित्रवत है, मैं उनसे शिक्षाएं लेता हूँ। मैं अनजाना, सब अनजाने, भीड़ जा रही है और एक दूसरे गले मिल रहे हैं, अरे राम आ सबसे है। ऐसे हर तरफ हर्ष का वातावरण, उल्लास का, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अमीर से अमीर वहाँ सड़कों पर जो है लंगर लगा रहा है, गरीब से गरीब वहाँ जो है ढोलक बजा रहा है टम 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 टम, जिसके पास डीजे नहीं है उसने ढोलक लिया, चिमटा लिया और टन 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 रास्ते किनारे शुरू। सांप्रदायिक सौहार्द आपने कैसे देखा, क्योंकि गांव मिले, कस्बे मिले, छोटे छोटे गांव मिले, गलियां मिली हैं, नुक्कड़ मिली, शहर भी आपको मिले हैं पूरी यात्रा के दौरान, तो हर संप्रदाय के लोग भी मिले, तो सांप्रदायिक सौहार्द आपने कैसा देखा? बिल्कुल, जो ये गलत फहमी है कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई खेल ही नहीं है जी, मैं फैजाबाद है, फैजाबाद में वहां पर जो है पूरा मुस्लिम आबादी है ठीक ठाक, हर एक बंदा हालिद है, हर एक बंदा प्रसन्न है, किसी प्रकार से किसी को राम मंदिर मंदिर से कोई एतराज नहीं है। क्या सीख लेकर आए हैं, जो सीख आप हमारे रुद्रपुर वासियों को, खासतौर पे अनसुनी आवाज के दर्शकों को देना चाहेंगे पूरी यात्रा से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार अवश्य राम जी का मंदिर का दर्शन करें और वहां साक्षात उनको महसूस करें। दूसरा मैं बस यही कहना चाहूंगा, आपको राम जी के वास्तविक आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। पिता पुत्र का सबसे बढ़िया संबंध राम, भाई भाई का प्रेम आपको राम जी के जीवन चरित्र से राम लखन में या राम भरत में दिख सकता है। ऐसे ही अन्याय के विरुद्ध लड़े। आम जिंदगी में देखते हैं आप तो इतनी 450-500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर आए, लेकिन हम लोग घर से बाहर निकलते हैं 4 कदम के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं या युवा अवस्था में लोग हैं, या हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलना चाहते ही नहीं है। तो पैदल चलने के फायदे आपने क्या देखे और क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में छोटी बड़ी यात्रा आदमी को जरूर करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं शुगर की एक गोली खाता था, और जब मैं गया हूँ, मैंने बहुत ज्यादा, पहले यहाँ पर मैं खाली 2 फुलके सुबह खाता हूँ, 2 शाम को, दोपहर में खाली फूले हुए फुलके बिना घी के, वहां मैंने जम कर घी खाया, मक्खन खाया,
मोटी बाजरे की रोटी खाई, प्रसाद सब कुछ, हलवे का प्रसाद, हलवे का प्रसाद मिला, मैंने अपने सारे शौक पूरे कर लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ स्टाइल अगर संघर्ष की और मेहनत की है तो आप ज्यादा जियोगे। जब आप पैदल यात्रा करेंगे, पैदल अपने मोहल्ले में अगर 3-4 किलोमीटर चलेंगे तो भी आपका बढ़िया आपका संबंध बनेगा। और सबसे बढ़िया अन उपयोगी श्रम आप देखते हैं, अगर आपके इस टाइम फ्री है ज्यादा तो आप जिम वगैरह करें, वहाँ करें। ये अन उपयोगी श्रम हुआ कि वही गोलू के बैल के घूम रहे घूम रहे घूम रहे। मैं जबकि जिम जाता हूँ वो मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि लोग मतलब एक्सरसाइज करने के लिए कि जिम में जाना है, ये जाना है, वो जाना है। अपने समाज से जुड़िए ना, समाज से भी जुड़िए, में जाइए, गाँव में जाइए, कोई छोटी मोटी यात्रा करिए, हर महीने 2-3 महीने में 4 महीने। अब मैंने जिम का टाइम आधा कर दिया, जिम में खाली आके मैं मसल्स करूंगा और जो पैदल चलने का काम मैं समाज में करूंगा और आप भी करिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहिए तो इससे बढ़िया भी राम की भक्ति कोई नहीं है। जब भी मौका मिले अपने इर्द गिर्द यात्रा जरूर करें और अनसुनी आवाज के इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, इस रिपोर्ट को साझा कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।